राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 9 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉक में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम गणेश मैदान मेनी फीड में आ चुके हैं। सामने देख सकते खुली जगह है, पार्किंग में हम हैं। यहाँ पे सामने गाड़ियाँ खड़ी है और कब तक गाड़ियाँ खाली होता है देखिए। क्रॉसिंग होगा मेरा माल गाड़ी में, 9 पैलेट टेलर में जाएगा। और आज हनुमान जयंती बहुत शुभ दिन है, बहुत खुशी की बात है कि आज हनुमान जयंती है और बहुत अच्छा है। और हमारे 3 लड़के हैं तो उनका भी जन्म हुआ है मंगलवार को, तीनों हमारा बाबू का, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात है। चलिए कि आज हनुमान जयंती है तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। हम लोग भी बरस वरस करते हैं, आए थे यहाँ पे 5 बजे, लेट गए थे, सो गए थे, अभी उठे हैं तो कूला उला किए हैं। 10:30 बज चुका है, पापा तो रांची में है, टाटा का माल लेके गए हैं, टेल्को का ब्रेक ड्राम है। अभी गणेश मेनिफिट में पहुंच चुके हैं पापा, और बातचीत हुआ था उनसे, हम बोले पापा नाश्ता कर लीजिए, तो पापा बोले हम करेंगे नाश्ता। तो अभी हम तो घर में आ चुके हैं, मेरा एग्जाम भी एक खत्म हो चुका है, और 22-23 दिन बस घर ही में रहना, एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो पापा पास तो जा नहीं सकते हैं। और पापा के बिना अकेले खाली खाली सा मन लग रहा है, क्या बोले, अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब पापा से हम बात किए थे तो पापा बोले हम गणेश पूछिए बाबू, अब खाना उना खाइए, मन नहीं लग रहा, खाना खाने का भी मन नहीं लग रहा, पापा अकेले हैं तो कैसे खाना पीना बनाएंगे उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग 2 जन थे तो गणेश खाना पीना बनाते थे और खाते थे। पापा अब लगता है ज्यादातर होटल में ही खाएंगे, क्योंकि उनको बनाने में हल्का प्रॉब्लम होता है, बार बार खाना गर्मी में पापा से नहीं बनता, हम थे तो बना देते थे, अब देखिए क्या होता है। और आज बजरंग बली जी का जयंती है हनुमान जी का, और मंगलवार भी है, आज हम लोग पूजा पाठ कर लिए। और हम लोग, मेरे भैया भी, कुंदन भैया भी बड़े वाले, और हमारे छोटा बाबू सतनाम भी, हम लोग तीनों जने मंगलवार को जन्म लिए हैं, क्या सौभाग्य है। घर में दोस्तों नाश्ता उस्ता बन गया है, अब खाना खाने जाते हैं। पापा से बात हुआ था तो पापा बोल रहे हैं हम खा लेंगे बाबू, आप टेंशन मत लीजिए, अब खाइए। तो घर में तो खाना बढ़िया ही मिलेगा, वो तो गाड़ी में है पापा, बात करते हैं फोन लगा के, उसके बाद हम नाश्ता करते। देखिए हमारा खाना लग चुका है, इधर है खीर है, आज बजरंग बली जी का जयंती है तो मीठा चीज बना है, केला का भुजिया है और आलू का भुजिया, सोयाबीन का सब्जी है और पराठा है, तो नाश्ता करते हैं दोस्तों। ये देखिए मेरा इडली आ चुका है और इडली का नाश्ता करेंगे यहाँ पे मेनी फीड में। ये बंद था यहाँ पे, आज ये चालू नहीं हुआ है, पेड़ है यहाँ पे बहुत बढ़िया विचित्र अच्छा, और नाश्ता वाले भाई आज आए नहीं ठेरा, तो नाश्ता करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हम बरवाटी लेके आए ताजा चुन के, 20 रुपए पाव दिए लोग, 10 रुपए पाव, तो आधा किलो लिए हैं, 2 लींबू ले लिए हैं, रहेगा गाड़ी में तो सतूत घोर के पियेंगे, ठीक ना, काहे कि गर्मी का मौसम है, खाना बनाने का तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं। और माल क्रॉसिंग करने का भी ऑर्डर आ चुका है, तो देखिए अब त्रिपाल रास्ता खोलने के लिए बोला है लोग, तो हम बोले कि भाई पहले आ जाइए आप लोग, मौसम खराब है, कहीं खोल के छोड़ दे या लेट हुआ तो फिर बारिश आएगा तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग का। देख सकते हैं गाड़ी का त्रिपाल खुल गया मेरा, सामने क्लियर हो गया, खुल गया रास्ता, खोल के मोड़ा गया है, देख सकते सामने। और हम गाड़ी के ऊपर है, बेल्ट वोल्ट भी सब मोड़ दिए हैं, देख सकते हैं सब बेल्ट वोल्ट मोड़ा गया है, बेल्ट मोड़ कर रख दिए हैं। 11:30 बज गया है और देख सकते हैं हमारे गाड़ी सा पायलट जो है क्रॉसिंग हो रहा है, करंट उठा रहा है देखिए, और एसी ट्रेलर में रखाएगा माल। सामने देखिए उठा रहे हैं करेंट, ट्रेलर में माल क्रॉसिंग हो गया और एगो दूगो पायलट होगा फिर ट्रेन ला रहा है उठा के। एक कॉमेंस रोड में हम आ चुके हैं और गाड़ी हमारी कैंटीन गेट में ऊपर चढ़ेगी, एंट्री होगी, तो देख सकते हैं हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, निकल गए हैं, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, देखिए गाड़ियाँ भी खड़ी है सब आगे चल के, और कॉमेंस गेट हम पहुँचते हैं कैंटीन गेट में ऊपर, तो गाड़ी को एंट्री करा के और लेसी कटवा के और पार्किंग में लगाते हैं। तो पिछले बार देखे हम लोग बालू लेके आए थे जो, तो मेरा गाड़ी यहीं खड़ा था टर्निंग में, ये जो टेम्पू खड़ा है ना बगल में वही पे,
और ये देखिए चेचिस यार्ड है, चेचिस निकल के सब यार्ड में आता है सामने, देख सकते कितना सारा चेचिस है यहाँ। गाड़ियां भी खड़ी है लाइन से, तो हम चलते हैं वहाँ गेट में। ढाई बज गया है और हम पार्किंग में आ गए हैं कैंटीन गेट में, देख सकते हैं आप लोग गाड़ियां सब खड़ी है, गाड़ियां पूरा खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम दही लाए हैं अमूल का दो डब्बा, और ये चूड़ा है मेरे पास में, तो अभी तक से हम कुछ खाए नहीं है, वही इडली दो ठो खाए थे और गाड़ी लाना था ऊपर में, रास्ता त्रिपाल खोलना था तो लड़का लोग दिए हम खोलने के लिए 100 रुपया, दो लड़का था लोग, वो लोग खोल खाल दिया, समेट के रख दिया, और हम बेल्ट खोल के निकाल के और समेट के रख दिए हैं। गाड़ियां सब खड़ी है चारों तरफ में, और हमारा है दही चूड़ा, इसको धोते हैं पर बढ़िया से अच्छा से। खाना बनाने का टाइम मिला नहीं हमको, इसलिए खाना नहीं बना, तो चूड़ा था गाड़ी में, तो दही चूड़ा शक्कर डाल के खा रहे हैं। देखिए दही निकाल दिए हैं, अब इसको मिला देते हैं बढ़िया से, दही मिला दिए हैं तो हम खाते हैं, तो थोड़ा निकाल देते हैं पहले। जय दही चूड़ा चलेगा आज, क्या कीजिएगा, जरूरी है, ये दही भी बहुत अच्छा चीज़ होता है, बहुत ही बढ़िया शुभ चीज़ होता है, और आज मंगलवार भी है, चलिए हनुमान जयंती भी है बजरंगबली का, तो देख सकते हम खा रहे हैं। जय बहुत बढ़िया, एक नंबर फर्स्ट क्लास। शाम को 7:30 बज चुका दोस्तों, और हम बोतल में पानी पूनी भर के ला दिए हैं 6-7 बोतल में, और अभी हम पार्किंग गेट में खड़े हैं, बहुत आज काफ़ी गर्मी था। गाड़ी अभी हमारा कल कागज बनेगा तो जाएगा, देख सकते हैं पूरा पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियां आज कम है, बहुत पहले से ज़्यादा कम हो गया है गाड़ी, और हमारी गाड़ी ये सामने देखिए, हमारे राजमाता खड़े हैं। और खाना बनाने का क्या सोचूं, अब सोच रहा हूं कि क्या करूं, गर्मी इतना काफ़ी है ना, कि बरबटी तो लिए हैं बनाने के लिए, बोदी जिसको बोलते हैं, उसी का सब्जी बनाते थोड़ा लपेटा में, और चावल दिल कर रहा है, लेकिन सोचते हैं क्या करना है अभी, है कि नहीं, क्योंकि अभी गर्मी इतना है ना कि हालत ख़राब हो रहा है। होटल है बगल में, देख लेंगे तो वहाँ भी मिलेगा भोजन, तो कर लिया जाएगा भोजन। कल आते हैं तो कल देखते हैं लोग क्या करते हैं, कल अंदर होता है गाड़ी या नहीं होता है, तो कल ही मालूम चलेगा, क्योंकि टेलर भी खड़ी है, देखिए हमारा जो माल क्रॉसिंग लेकर आया है ना गाड़ी टेलर, बगल में देख सकते हैं आप लोग, ये भी खड़ी है माल, वो देखिए वो पीला पीला दिख रहा है, हाँ तो पार्किंग में है, चारों तरफ है, देख सकते आप लोग गाड़ियाँ खड़ी है, अब पार्किंग में रहना पड़ेगा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पंखा भी है मेरे पास में, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा गर्म दे रहा है, तो अभी ठंडा हवा दे रहा है, रात में राहत मिलेगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, रात के 10 बज चुका है, ये चावल धो के हम चढ़ा चुके हैं इसमें, और ये देखिए हमारा एक कट गया है बरबटी बोदी, और ये प्याज कट गया लहसुन मिर्चाई, उसके बाद हम बनाएंगे इसको फर्स्ट क्लास मसाले वाला सब्जी, बढ़िया से भूज के अच्छा से। ये देखिए मेरा खाना पक रहा है, अकेला सब करना पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हम भी ट्रेंड हो जाएंगे धीरे धीरे। ये मसूर दाल का ये जो दिख रहा है ना, और इसमें तीसी है डाला हुआ, अलसी मसूर दाल का, और ये घर के बना हुआ है, और ये हमारा फेवरेट चीज़ है, इसको हम बनवाता हूँ शौक से खाने के लिए अपना। और देखिए चंद कुंदन बाबू हमारा ला के पहुँचाए थे रांची में, बना के लोग रखा था, तो देखिए इसको भूजेंगे तेल में तलेंगे, ये तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में, गर्म हो जाएगा तो उसके बाद में इसको तल के निकालेंगे। देखिए अब डाल दिए हैं, ये भुजा रहा है, बहुत ही खाने में बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, और हमारा फेवरेट चीज़ है, शौक से बनवाता हूँ, मसूर दाल में बना हुआ है तीसी, जिसको अलसी बोलते हैं, ये भुजा रहा है, इसको डाल के और बोदी को भूज देंगे, देखिए भुजा रहा है हमारा,
बोधी को भूज रहा हूँ। जो मसाला डाल दिए है, मसाला डाल के उसको मिला दे रहे हैं बढ़िया से। हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया, ये प्योर सब्जी है आपको बरबट्टी का, जिसको बोधी बोलते हैं बोरा। टाइम भी काफ़ी हो गया है, टाइम अब खाना खाने का तैयारी में लगे जाएगा। 11:20 खाना बन के हमारा रेडी हो गया है। खाते हम खाना खाते अकेले हैं, चंदन बाबू तो है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं है तो ठीक है दोस्तों। रात का 12 बज चुका है और ये हमारा खाना देखिए निकल के रेडी हो गया, तो हम भोजन करते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ। रात्रि का 12:15 बज चुका है और हमारा भोजन हो गया। देखो सब्जी बनाए थे, तिसौरी भूजे थे, चावल बनाए थे, तो खाना वाना हम खा लिए। बड़ी बढ़िया बेहतरीन खाना बना हुआ था। गाड़ी भी नौ एंट्री खुला है, तो गाड़ी भी सब आने लगा, पार्किंग में गाड़ी सब चारों तरफ लगने लगा है, तो हम आराम करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कल कितना बजे गाड़ी हमारा खाली करता है, लोग कागज बनता है। तो आज का ब्लॉग भी हम समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।